तो गाइस आज ना बर्नौलिस प्रिंसिपल के एक दो सम्स होंगे, फिर उसका जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम होगा, ठीक है। मतलब उसको कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है वो, फिर उसमें कुछ और चीजें भी मैं तुम्हें नए नए को सिखाना शुरू करूंगा। अभी हार्डली मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलो तो आज 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 शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलो तो सब लोग बुक और पेन लेके रेडी हो जाए, ठीक है। तो अच्छे अच्छे सम्स करेंगे हम। बोला एक्चुअली गिन के देखा जाए तो अभी एक दो सम्स ही करा था, कुछ सम्स करने है नहीं इसमें, या तो कुछ बचा भी नहीं है इसमें। अच्छा देखो गाइस, मैं तुम लोग कुछ चीजें बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये ध्यान में रखना है। कल तो हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन सीखा कि हमें बर्नौलिस प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला आता है वो कैसे डिराइव करते हैं, वो हमने फुल एक पूरा कंप्लीट लेक्चर सीखा, राइट। बट इसके साथ देखो, तुम लोग को याद होगा तो जब मैंने बर्नौलिस प्रिंसिपल सिखाना शुरू किया था तो उसके साथ और एक टर्म था जो ऐसा कुछ फॉर्मूला, देखो प्रेशर ही चेक कर सकते हो मतलब पेजेस चेंज करके, रो जी एच, टर्न करो पेज तुम्हें नजर आएगा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। हाफ पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, देखो चेक करो, देखो वो होगा हमारे पास, राइट। एग्जामिनेशंस में बहुत बार अगर ऐसा कुछ, देखो ये पी मतलब इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं, ऐसा वर्ड आ सकते हैं, फाइन प्रेशर हेड ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर मतलब यही होता है, ठीक है। ये इसका टर्म की नेमिंग है। जब इसकी बात करेंगे रो जी एच मतलब ये तुम्हारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल हेड बोलते हैं इसको बहुत बार, वी कॉल दिस एज पोटेंशियल हेड। देखो एमसीक्यूज में कभी कभी आगे आकर वर्ड, कभी पोटेंशियल हेड फाइंड करो या तो फिर है ना ऐसा काइनेटिक हेड, अगर ऐसा वर्ड आता है समझ जाना ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, काइनेटिक हेड, ठीक है। ओके नाउ अगर सपोज ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम थोड़ा और मॉडिफाई करें और ये सारे टर्म को हम रो जी, ठीक है, रो जी से अगर सबको डिवाइड कर लें मतलब सारे टर्म्स को, तो पी अपॉन यहाँ पे रो और यहाँ पे जी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे रो जी और यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे जगह रो जी प्लस ये भी क्या आ जाएगा, देखो हमारा प्रेशर अपॉन डेंसिटी आ जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा दिस विल बी वी स्क्वायर, दिस इज हाफ पी वी स्क्वायर अपॉन रो जी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये और ये टर्म तो पूरा कट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली क्या बचता है, इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली हियर, हमारे पास क्या बचता है, बचेगा दिस इज पी अपॉन रो जी प्लस एच प्लस दिस इज हाफ पी वी स्क्वायर अपॉन रो जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा अभी बहुत बार ऐसा हो सकता है गाइस, आप लोगों को पूछ सकते हैं जैसे कि अगर ये हो गया हमारे पास, देखो अगर चेक करोगे काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक हेड जो है, ये काइनेटिक हेड जो है, ये काइनेटिक हेड उसका डायमेंशन क्या है पूछ सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक हाइट बचता है, देखो यहाँ पे ना ये पी अपॉन रो जी, ये पी अपॉन रो जी, ये सारे टर्म्स तो तुम्हारे कांस्टेंट रहता है जनरली, तो ये वाले टर्म्स, तो यहाँ पे अगर तुम्हें कभी कभी डायमेंशन पूछ सकते कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड, तो याद रखो अगर कभी पूछा आता है
डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड अगर पूछा गया है ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट होती है, याद रखो। कभी भी ये पूछा गया डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक हेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट, ये ध्यान से लिख के रखो बुक में अच्छे से, ठीक है गाइस। चलो ये लिख लो, फिर अच्छे से एग्जाम करेंगे, मस्त बड़ा वाला एग्जाम करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। चलो गाइस लेट्स गो। अच्छा गाइस अब मेरी पूरी बात सुनो, सबने क्या करना है, जो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का देखो जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, बराबर है सबको याद है ना? ओके तो क्या करेंगे सब लोग, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले वो पेज ओपन करके जो फॉर्मूला डिजायर है ना, बड़ा वाला लंबा वाला, वो सामने रखो पहले। चलो फटाक से बिफोर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, ओके सब लोगों ने सामने रखा है। इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया 2 है। लेट्स थोड़ा सा चेंज करते हैं, 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर है क्या ये सेंटीमीटर है, थोड़ा बड़ा लिखो क्या। अच्छा फाइंड द प्रेशर डिफरेंस ऑन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट है आपका जहां से एंटर करता है और जहां से बाहर, इनके बीच में का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ द फ्लूइड हैज डेंसिटी इक्वल्स टू 1200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके और दोनों की वेलोसिटी है मेरे पास, सॉरी ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज नॉट बीन गिवन, ये है ये। ओके फाइन अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमें, हमें बहुत अच्छे से इसको प्रॉपरली समझना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है जो हाइट है, हाइट
मतलब सबको ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हाइट पे रखा गया है, मतलब कहाँ पे ऐसे जो हाइट पे रखा गया है, ये हाइट मतलब ये H1 हाइट जो है और H2 हाइट है, वो दोनों इक्वल हाइट पे रखा गया ऐसा मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे केप्ट अबाउट सेम हाइट। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारे पास वेलोसिटी v1 दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सॉरी। एरिया दिया है हमारे पास एरिया 1 इक्वल टू दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसकी बात करें तो यहाँ पे एरिया 2 दिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा मुझे बता कितने लोगों को गाइस ये कन्वर्ट करने को नहीं आता है। देखो जिसको भी नहीं आता होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो प्लीज ध्यान दो, ठीक है, तो मैं समझेगा ही। अच्छा अभी ये 20 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 20 मिलीमीटर स्क्वायर को मतलब ये छोटी जो वैल्यू है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बड़ी वैल्यू में, ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं देखो जैसे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। मेरे पास सबको पता होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसको कन्वर्ट कन्वर्ट करना है हमें मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20, ठीक है, इनटू या तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। रखो ऐसे रख दो उसको। ओके अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस। देखो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दे आर केप्ट एट द सेम हाइट, मतलब यहाँ पे H1 इक्वल्स टू क्या H2, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ गाइस, आई वॉन्ट, सब लोगों ने वो फॉर्मूला तो देखा ही होगा, अच्छे से देखा है सबने फॉर्मूला, देखो तुम्हारे सामने ही फॉर्मूला है वो, तो जरा वो फॉर्मूला चेक करो गाइस, अच्छे से फॉर्मूला को देखो, ठीक है, और मुझे बताओ क्या तुम लोग एक्चुअली तुम इस मतलब फाइंड कर सकते हो क्या खुद। देखो जरा एक बार खुद कोशिश करो, देखो फॉर्मूला को वहां पे देखो सामने सामने रख के एक बार ट्राई करो। फॉर्मूला सबको पता होगा ना फॉर्मूला क्या है, देखो सबको लिख के दिया है मैंने, कल डिराइव भी किया, देखो बड़ा वाला फॉर्मूला दिमाग लगाना है। P1 है मान, देखो रो जी एच वन, देखो वहां पे होगा रो जी एच वन प्लस हाफ, देखो अभी जस्ट किया हमने हाफ P V1 स्क्वायर बराबर। हाफ P V1 स्क्वायर, एक सेकेंड हाँ, हाँ ठीक है, दिस इज गाइस सॉरी, ये रो है ना हमारा, दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज रो, ये रो है हमारा इक्वल्स टू दिस इज P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्म है। अच्छा अब मैं तुम लोग कुछ पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमें, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये P1 दिख रहा है और एक P2 दिख रहा है गाइस, तो मैं इनके बीच में का डिफरेंस फाइंड करना है प्रेशर का। तो मतलब एक्चुअली क्या करना है, डिफरेंस मतलब क्या करना है, P1 माइनस P2 फाइंड करना है, समझ रहे हो, मतलब कुछ ऐसा। देखो तुम मुझे बता दो, मैं ध्यान से देखना ही है कैसे फाइंड करना है। देखो P1 माइनस P2 ऐसे, इसको मैं इधर लेके आया, अब बाकी सारा टर्म उधर शिफ्ट कर लो ये साइड पे, मतलब क्या आ जाएगा, देखो रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, ये शिफ्ट होगा रो GH1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। आई वॉन्ट कि सब लोग अब खुद जरा कैलकुलेशन करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, ठीक है,
और मुझे इसका आंसर निकाल के दें कितना आंसर आता। कोशिश करो गाइस। हाँ उससे रोपा मन ले हाँ ले सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कर तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन करो और मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आता है, फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा तुम्हारा सही है गलत है। ठीक है, ट्राई करो गाइस। देखो फॉर्मूला दिया है, गिवन लिख के दिया है मैंने, पूरा फॉर्मूला भी लिख के दिया है मैंने तुम लोगों को, अरेंजमेंट भी करके दिया, तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है अच्छे से। ठीक है, लेट्स सी। चलो गाइस जैसे हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा स्क्रीन पर थम्स अप, या तो चैट बॉक्स में सब लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वहां पे आंसर डाल के देंगे मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है चलो, खुद कोशिश करो, खुद ट्राई करो, चलो लेट्स गो। अच्छा बताओ गैस कितने लोगों को नहीं आया आंसर, हेल्प करो। चलो अभी एक मिनट से सुनो, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें जो कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ अगर तुमने ध्यान दे दिया ना तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, मेरे ज्यादा हेल्प भी लगेगी नहीं तुम्हें। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, यहाँ पे एक ऐसी चीज है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे चेक कर देखो, ये हाई दोनों भी सेम है, क्वेश्चन में देखो मेंशन क्या हो गया, क्वेश्चन में बोला हम कहाँ बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा हमें। ठीक है फाइन, रो रो दोनों सेम, जी जी भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो फिर ये कट ही हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, P1 - P2, ध्यान दो यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, हाफ रो V2² - ½ रो V1² ओके। कहानी में ट्विस्ट तो ये है गाइस, अगर तुम ध्यान से चेक करोगे, मेरे पास चलो डेंसिटी की वैल्यू है कितनी है देखो, 1200, कोई टेंशन नहीं ओके। ठीक है, मेरे पास V1 भी है, वेलोसिटी देखो ये वाली वेलोसिटी, दिस इज माय V1, क्योंकि यहाँ पे लिखा 10 cm/s। मेरे पास प्रॉब्लम ऐसी V2 है ही नहीं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना भाई, बराबर, तो अभी कैसे क्या ढूंढेंगे। तो गाइस तुम सब लोगों को पता होगा और होना भी चाहिए, इफ यू रिमेम्बर दिस, कि हमारे पास V1 * A1, याद है क्या, V2 * A2, देखो ये वाला फॉर्मूला है, जब हाँ भी कंडीशन V2, किया था एक हाँ तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ से वैल्यू से टूटा के वहां इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे V1 हमारे पास कितना है देखो, 10 है, ये कितना है 1 है, V2 तो आता पता नहीं है, एरिया है देखो कितना है वो 20 / कितना 100 है, शिफ्ट करें इसको, ये कट कर लेते हैं, ये भी कट कर लेते हैं फाइन, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास V2 कितना आ जाएगा देखो, V2 will be equals to 5 * 10, मतलब कितना आ जाएगा 50 cm/s। अभी ये सिक्स्थ वाला पॉइंट है, अभी तो आई थिंक बहुत सिंपल होना चाहिए, यहाँ जाएगा P1 - P2, लगे तो हाफ जो है और डेंसिटी जो है बाहर है तो कॉमन निकाल लो अच्छे से, यहाँ डाल दो V2² या डालो V1² ऐसा, इक्वल्स टू दिस इज हाफ डेंसिटी ओके, डेंसिटी का वैल्यू भी डाल दो देखो, 1200 बॉक्स बना ले, B2 का वैल्यू कितनी है 50 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 50 होल स्क्वायर, B1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आ जाएगा 10 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ये कट कर सकते हैं, 600 डाल सकते हैं, यहाँ पे 600 डालेंगे, ब्रैकेट बनाए, पाई का स्क्वायर कितना आ जाता है 2500, 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है 100, दिस इज 600 * 2400 ओके, फिर डिफरेंस फाइंड करना है P1 - P2, 6 * 4 = 24, 6 * 12 = 40, कितना जीरो 4 * 10⁴ ऐसा पास कर, मतलब ये तुम्हारा डिफरेंस आता है किसका, प्रेशर का। सो दिस इज योर आंसर गाइस, सबको समझा है, एवरीबॉडी इज यस सर। थैंक यू।
चलो गाइस लिख लो फटाफट। ओके सबका हो गया लिख के? एनीवन स्टिल राइटिंग? नहीं ना, ठीक है। देखो गाइस मतलब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ है। अब इसके ना हमारे पास एप्लीकेशन मतलब बर्नौलीस प्रिंसिपल कहाँ का इस्तेमाल होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा और चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करने वाले, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पढ़ना शुरू करें। ठीक है, फाइन।